नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंपाइलर के नए वीडियो में। हम प्रीवियस क्लास में देख रहे थे कि सिंबल टेबल मैनेजमेंट को पढ़ रहे थे, सिंबल टेबल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कुछ बातें थी फर्स्ट वन था इंट्रोडक्शन ऑफ सिंबल टेबल, सेकंड आपका क्या था फॉर्मेट ऑफ सिंबल टेबल, थर्ड आपका था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल टेबल, नेक्स्ट आपका था ऑपरेशंस ऑन सिंबल टेबल, नेक्स्ट था एंड लास्ट वन इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंबल टेबल। सिंबल टेबल में बेसिकली ये हमको पांच बातें देखनी थी। इंट्रोडक्शन ऑफ सिंबल टेबल हमने देख लिया था, फॉर्मेट भी देख लिया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल टेबल भी देख लिया था, और ऑपरेशंस ऑन सिंबल टेबल भी देख लिया। जो हमको पढ़ना है आज के लेक्चर में, हम डिस्कस करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंबल टेबल। सिंबल टेबल का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसे कैसे होता है, उन बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंबल टेबल। फिफ्थ वन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंबल टेबल। बेसिकली चार तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, लीनियर लिस्ट, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लिस्ट BST, और आपका लास्ट आपका फोर्थ होता है हैश टेबल। तो इसमें नंबर वन देखते हैं लीनियर लिस्ट। लीनियर लिस्ट क्या होता है? इट इज अ सिंप्लीफाइड वे टू इम्प्लीमेंट सिंबल टेबल। इट इज द सिंप्लीफाइड वे टू इम्प्लीमेंट सिंबल टेबल। लीनियर लिस्ट जो आपका होता है सबसे सिंपल होता है किसी भी सिंबल टेबल को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो लीनियर लिस्ट में बेसिकली क्या यूज होता है, इसमें एन अरे इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन। लीनियर लिस्ट में बेसिकली हम अरे का यूज करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। जैसे जैसे सपोज कोई नेम है एक फील्ड और नेक्स्ट आपका है एट्रीब्यूट, तो इसमें सपोज जो नेम है आपका ID1 ID2 अप टू IDN, और इसके करेस्पॉन्डिंग जो एट्रीब्यूट है इंफॉर्मेशन वन है, इंफॉर्मेशन टू है, अप टू इंफॉर्मेशन। तो सपोज ये कोई हमारा
अरे हैं, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपके इंफॉर्मेशन आपके स्टोर्ड है। सपोज अगर आपको कोई नया एलिमेंट इसमें इंसर्ट करना है या स्टोर कराना है तो हम क्या करेंगे, यहां तक हमारा फुल है। इसके नेक्स्ट पोजीशन सपोज यहाँ पे अवेल करके एक पोजीशन है, तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हम यहाँ पे स्टोर कराए। अगर सर्चिंग हमको करना है तो कैसे होगा, ऐसे हमारी क्या होगी, सर्चिंग होगी। जैसे भाई यहां से एलिमेंट सारे स्टोर हैं तो सर्चिंग हम वन बाय वन इसमें करते हैं। और किसी एलिमेंट को स्टोर करना है तो यहां तक हमारा स्पेस ऑक्यूपाई है, इसके आगे जो नेक्स्ट आपका स्पेस होगा अवेल मान लीजिए उसका नाम है, तो यहाँ पे नया एलिमेंट हम इंसर्ट करा सकते हैं। लीनियर लिस्ट जो होता है किसी भी सिंबल टेबल को इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे इम्प्लीमेंट अगर किया जाए तो सबसे इजी होता है, बट इसमें जो सर्चिंग होती है वो बहुत टाइम लेता है। लीनियर लिस्ट में सर्चिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ये इसकी डिमेरिट होती है, बट इसकी जो एडवांटेज होती है वो ये होती है कि ये बहुत सिंप्लीफाइड है, बहुत सिंपल होता है। तो ये रहा आपका लीनियर लिस्ट। सेकंड हम देखते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लिस्ट। दिस सिंबल टेबल यूजेस कंसेप्ट ऑफ लिंक्ड लिस्ट। क्या करते हैं बेसिकली, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लिस्ट में जो हमने प्रीवियस में लीनियर लिस्ट था उसी तरह से होता है, बस उसमें एक और एक्स्ट्रा फील्ड ऐड हो जाती है जो लिंक फील्ड होता है। बेसिकली ये लिंक लिस्ट के कंसेप्ट को यूज करता है। तो हमारा नेम था, एट्रीब्यूट था और एक और फील्ड ऐड हो जाएगा लिंक। बाकी आईडी 1, आईडी 2, आईडी 3, आईडी 4, एट्रीब्यूट्स इन्फो 1, इन्फो 2, इन्फो 3, इन्फो 4। तो बेसिकली होता क्या है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लिस्ट में, इसमें लिंक लिस्ट का कंसेप्ट यूज होता है, जिसमें एक लिंक फील्ड और एक्स्ट्रा ऐड होता है। जिसमें सपोज इसमें करते क्या है, हम स्टार्ट आईडी 3 से अगर किया गया है यहाँ पे, आईडी 3 से क्या, स्टार्ट आईडी 3 से इसलिए क्योंकि इस पर्टिकुलर टेबल में नंबर ऑफ अकरेंस अगर आईडी 3 की सबसे ज्यादा है तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। सेकंड नंबर पे कहाँ जाएंगे, आईडी 3 की अकरेंस सपोज 5 टाइम्स आया है और उसके बाद तो उसकी अकरेंस सबसे अगर ज्यादा है तो उससे लेस आईडी की देखेंगे किसकी अकरेंस कम है 5 से कम। सपोज हमारा आईडी 3 का नंबर ऑफ अकरेंस 5 है, आईडी 1 का 4 है, उसके बाद आईडी सपोज आईडी 3 का सबसे हाईएस्ट है तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, हम गए आईडी 1 पे। क्यों, क्योंकि इसकी सपोज इसकी नंबर ऑफ अकरेंस सबसे ज्यादा है आईडी 3 की, तभी यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और सेकंड नंबर पे नंबर ऑफ अकरेंस आईडी 2 की है, थर्ड नंबर पे सपोज आईडी 4 की है तो हम फिर यहां से क्या करेंगे, हम आईडी 4 पे आएंगे। फिर आईडी 4 की नंबर ऑफ अकरेंस के बाद सबसे जो लिस्ट नंबर ऑफ अकरेंस है अगर वो आईडी 2 की है तो हम क्या करेंगे, यहां से फिर हम आईडी। तो ये हमारा होता है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लिस्ट। इसमें थोड़ी सी सर्चिंग जो है प्रीवियस के कंपैरिजन में, लीनियर लिस्ट के कंपैरिजन में थोड़ी सी सर्चिंग इसमें फास्ट।
तो ये हो गया आपका सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लिस्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे थर्ड आपका बाइनरी सर्च ट्री होता है, सर्चिंग के लिए उसका भी यूज होता है बाइनरी सर्च। थर्ड वन इज बाइनरी सर्च ट्री। बीएसटी क्या होता है? सपोज दिस इज रूट नोड और इधर क्या होता है लेफ्ट सब ट्री, क्या है इधर जो भी एलिमेंट होंगे मतलब की होंगे वो हमेशा क्या होंगे लेस देन रूट नोड, और इधर क्या होंगे जो जितने भी एलिमेंट आएंगे की ग्रेटर देन आर इक्वल टू रूट होंगे। यही होता है ना बाइनरी सर्च ट्री का कंसेप्ट। क्या होता है बेसिकली बाइनरी सर्च ट्री में जो भी नोड होता है उसके जितने भी लेफ्ट चिल्ड्रन होंगे उसकी वैल्यू हमेशा रूट नोड से छोटी होगी, और जितने भी राइट सबट्री में जितने भी एलिमेंट होंगे राइट चिल्ड्रन होंगे वो या तो उसकी वैल्यू या तो रूट नोड से बराबर होगी या तो ज्यादा होगी। यही हमारा बीएसटी का कंसेप्ट कहता है। सपोज अगर हमारे पास एक्स वाई और जेड तीन, डब्ल्यू एक्स वाई जेड अगर हमारे पास चार एलिमेंट है सपोज, इसको बीएसटी में अगर हमको दिखाना हो और एक्स हमारा रूट है तो क्या होगा, तो x के लेफ्ट साइड में क्या होगा w, क्योंकि w हमारा x के पहले आता है, y और z x के बाद आता है तो y और z राइट साइड में होगा। तो सपोज अगर हमारा z इसका राइट चिल्ड्रन है तो y कहाँ जाएगा, z के लेफ्ट साइड में, क्यों, क्योंकि y और z तो हमारा x के बाद आता है तो ये दोनों तो इसके राइट सब ट्री में होंगे राइट चिल्ड्रन होंगे, बट y जो है z का क्या होगा। ये हमारा बाइनरी सर्च ट्री का बीएसटी का कॉन्सेप्ट होता है। इसी तरह से अगर हम सिंबल टेबल में बात करें तो जैसे मैंने अभी बात की थी सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लिस्ट में जिसमें आईडी थ्री का अकरेंस सबसे ज्यादा था, आईडी थ्री का नंबर ऑफ अकरेंस सबसे ज्यादा था, देन हमारा आईडी वन का था, देन हमारा आईडी फोर का था एंड देन हमारा आईडी टू का था, ये नंबर ऑफ अकरेंस की बात की गई। तो अगर हम इसके लिए BST बनाना है, सपोज ID1 आपका रूट नोड हो गया तो क्या होगा, ID2 और ID4 का अक्रेंस ID1 से क्या है कम है, तो ID2 और ID4 हमारे लेफ्ट साइड में आएंगे। सपोज हमने ID4 इधर कर दिया और ID4 से भी नंबर ऑफ अक्रेंस कम किसकी है, ID2 की है, तो इधर क्या हो गया लेफ्ट साइड में ID2। लेकिन जो हमारा ID3 है वो क्या है, उसकी नंबर ऑफ अकरेंस ID1 के नंबर ऑफ अकरेंस से ज्यादा है, तो क्या होगा ID1 के राइट साइड में हमारा क्या हो जाएगा ID। तो अगर हम BST की बात करते हैं बाइनरी सर्च ट्री की, तो वहां पे हम एलिमेंट की वैल्यू को लेते हैं, और यहाँ पे हम जब हम सिंबल टेबल में बात करेंगे तो उसके किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ अकरेंस के कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे। तो ये आपका बाइनरी सर्च ट्री का। चलिए एक और है आपका नेक्स्ट लास्ट है उसको देखते हैं। फोर्थ है आपका हैश टेबल। इट इज द मोस्ट पावरफुल
इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक, इट इज द मोस्ट पावरफुल इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक इन सिंबल डिजाइन. सबसे सिंप्लीफाइड जो इम्प्लीमेंटेशन सिंपल होता है इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक वो होता है लीनियर लिस्ट का. उसमें सर्चिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, हैशिंग में सबसे कम टाइम लगता है. हैश टेबल में अगर हम सर्चिंग कर रहे हैं तो सबसे फास्ट होता है. इसी वजह से इसको इट इज़ द मोस्ट पावरफुल इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक इन सिंबल टेबल का है. इसमें बेसिकली क्या करते हैं, इन हैशिंग स्कीम In hashing scheme, two levels are maintained. क्या मतलब है ये टू लेवल क्या मेंटेन करने का क्या मतलब है? टू लेवल मेंटेन करने का क्या मतलब है? नेम हो गया, एट्रीब्यूट हो गया, लिंक हो गया. और यहां पे एक हैश टेबल है. देखिए ये हमारा कोई सिंबल टेबल है और उसके लिए एक यहाँ पे एक हैश टेबल है. तो जो यहाँ पे जो जो हैश टेबल में जो जो भी डेटा होंगे यहाँ नेम में भी होंगे. जैसे यहाँ सम है, सपोज यहाँ सम है, यहाँ आई है, यहाँ जे है, सपोज यहाँ के है. तो क्या होगा, सम से सम ऐसे हो गया, आई से आई, जे से जे और के से. हैश टेबल 0 टू n इसकी साइज है, मतलब 0 से स्टार्ट किया इंडेक्सिंग n माइनस 1 तक गए हैं. ये हमारा सिंबल टेबल है, इससे इसको लिंक किया गया है. और यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग इसको कुछ एट्रीब्यूट्स की वैल्यू होंगी. सपोज यहाँ पे भी कोई डेटा है, यहाँ पे सपोज x है और यहाँ पे सपोज कोई कोई आपका यहाँ पे लिंक्ड है, लिंक वाले फील्ड से एक दूसरे से. तो यहाँ पे क्या है, जितने भी नेम में जितने भी हमारे वैल्यूज हैं ये हमारे हैश टेबल से क्या है, डायरेक्टली आपके कनेक्टेड. अगर सपोज हमारा इस सिंबल टेबल में इसमें कोई एक्स्ट्रा कोई इंफॉर्मेशन, सपोज वाई का अगर हम स्टोर इंसर्ट करते हैं तो इस अगर इधर y में करते हैं तो हमको इस हैश टेबल में भी कहीं ना कहीं y को इंसर्ट कराना पड़ेगा. इसी वजह से कहा जाता है इन हैशिंग स्कीम टू लेवल्स आर मेंटेन. अगर इसमें कुछ वैल्यू इंसर्ट कराएंगे तो यहाँ पे भी कराना पड़ेगा क्योंकि इससे ये डायरेक्टली लिंक है. इसमें है इसमें नहीं है चलेगा, बट अगर इसमें है और इसमें नहीं है तो नहीं चलेगा. इसमें भी वैल्यू हमको क्या करनी होगी, इंसर्ट करानी होगी. चूंकि ये हमारा सबसे पावरफुल इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक होता है सिंबल टेबल में, इसमें हमारी सबसे सर्चिंग जो है सबसे फास्टेस्ट हैश टेबल में होती है. इसके बाद सर्चिंग हमारी बाइनरी सर्च ट्री में होती है, बीएसटी में. उसके बाद सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लिस्ट में. और सबसे स्लो जो स्पीड होती है सर्चिंग की वो होती है लीनियर लिस्ट में. तो हमने देखा कि सर्चिंग सबसे फास्टेस्ट हैश टेबल में होती है
और सबसे स्लो लीनियर लिस्ट में होते हैं। इसी वजह से इसको बोला जाता है इट इज द मोस्ट पावरफुल इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक इन सिंबल टेबल। और जो लीनियर लिस्ट होता है उसको बोला जाता है इट इज द सिंप्लीफाइड इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक, सिंपलेस्ट इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक इन सिंबल टेबल। तो आई थिंक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंबल टेबल सबको समझ में आ गया होगा, बातें क्लियर हो गई होंगी सबको। तो हमने सिंबल टेबल में पांच बातें देखी, इंट्रोडक्शन टू सिंबल टेबल, फॉर्मेट ऑफ सिंबल टेबल, थर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल टेबल, फोर्थ ऑपरेशंस इन सिंबल टेबल, और फिफ्थ आज हमने देखा आज के लेक्चर में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंबल टेबल। तो इस तरह से सिंबल टेबल से रिलेटेड ये पांच बातें आज इस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक आगे क्या देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। आई थिंक सबको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।